तो अभी सबको म्यूट करने से पहले मैं एक बार फीडबैक ये लेता हूँ कि सबको आवाज आ रही है ना मेरी। यस हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके गुड। नाउ आई पुट एवरीबॉडी ऑन म्यूट। तो सब लॉर्ड थ्योरी भी कृष्ण मूर्ति जी को मिली थी, जबकि उन्होंने काफी टाइम तक गणेश जी की आराधना की थी। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उनको एक प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा था, वो असमंजस में थे। वो गणेश जी की शरण में गए, वैसे भी वो उनके डिबिटी तो थी, आराधना की और उनको वन फाइन डे उनको उसका सॉल्यूशन मिला। वो क्या घटना थी वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। देखिए, फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ और कोर्सेस में कंडक्ट करता रहता हूँ। वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल कमर्शियल वास्तु 45 DT इसका, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड रीडिंग और क्रिस्टल हीलिंग, ये मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, वो पढ़ाती हैं। मेडिटेशन योगा की भी क्लासेज होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज होती हैं। अभी तो कोविड के बाद ज़्यादातर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्रीफर करते थे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, ओके, और दूसरा कि टाइम कम्यूट करने में भी सेविंग होती है। और इसके अलावा मैं फेस टू फेस क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती है, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमें फेस टू फेस सीखना है क्योंकि अब नाउ सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। तो अभी एक कुछ कोर्सेज हैं जो मैं टाइम टू टाइम किसी अच्छे रिजॉर्ट या होटल्स वगैरह में वर्कशॉप्स वगैरह 5-5-6 दिन की कराता हूँ। वास्तु एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी मैं देता हूँ और वास्तु टेक सॉफ्टवेयर है हमारा, देयर इज अ कंपनी वास्तु टेक सॉल्यूशंस, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीट एंड टू एंड वास्तु सॉल्यूशन देती है, मतलब वास्तु कंसल्टेंट इस पे एंड टू एंड अपनी वर्किंग कर सकते हैं। पहले उनको ऑटो कैड इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता था, ठीक है, उसकी ग्रेडिंग करानी है 8/16/32 के अंदर, ओके, कुछ भी मार्किंग करनी है, पर ये पूरी तरह से वास्तु के लिए डिजाइन सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर ब्रह्मनाभी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, वास्तु कंसल्टेंट ओनली नीड टू डिफाइन द पेरिफेरी, बाकी अगर वो चाहे वैदिक विधि से जिसमें कि एकाशिति पद के द्वारा हम लोग निकालते हैं, या फिर मॉडर्न वे से, मतलब पूरा वास्तु का सॉल्यूशन है। तो इसके बारे में अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज आज हमारा पर्पज है केपी के बारे में जानना। हमारे स्टूडेंट्स हैं, टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं, तो उनकी कुछ स्क्रीन पे जो फोटो आ सकती है मैंने डाली है। देखिए, ये कोर्स हमारा शुरू हो रहा है डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन 23rd of August, परसों से ये शुरू होगा। यहाँ पे मैंने 21 सेशन लिखा है, ये 21 सेशन नहीं, ये 25 सेशंस होंगे। अभी मैंने इस वाले कोर्स से प्रैक्टिकल सेशंस और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो जो भी मेजर टॉपिक होंगे जैसे कि प्रोजनी है और मैरिज है, तो उसके बाद एक पूरा सेशन हमारा केस स्टडीज का होगा, एजुकेशन होगा उसको समझेंगे, उसके बाद हम प्रोफेशन को भी समझेंगे, देन वी विल हैव वन डेडिकेटेड सेशन एंटायरली फॉर द केस स्टडीज ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशन। जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं उसके लिए एक एक दिन का हम लोग केस स्टडीज का भी रखेंगे, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ओके। और सॉफ्टवेयर तो मैं अपनी तरफ से खुद ही देता हूँ, पहले साल का सब्सक्रिप्शन KP*1 आप लोगों को फ्री मिलेगा। ये जो फीस है 21,660, इसके अंदर आपको KP*1 का सॉफ्टवेयर 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा कि 1-249 के होरारी कार्ड जो अभी तक मैंने किसी भी बैच में नहीं दिए, इस बैच में मैं एक्सक्लूसिव भी दूंगा। तो जैसे टैरो के कार्ड होते हैं उसी तरीके से होरारी के 1 से लेकर 249 तक के कार्ड्स होते हैं, वेयर इन द कस्टमर कम्स एंड आस्क यू सम क्वेश्चन से उसका प्रमोशन होगा या नहीं, उस वो 32 साल की हो चुकी हैं, उसकी शादी होगी या नहीं, जिस लड़के या लड़की को चाहते हैं वो शादी उनसे करेगा या नहीं, ओके। सो देर आर सम सिनेरियोज, उनका आंसर
हुरारी मतलब कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से करना सबसे उचित होता है। तो उसके लिए हमें क्लाइंट से कहते हैं कि आप 1 से लेके 249 तक का कोई नंबर भूलिए। अब होता क्या है, आजकल सब लोग कुछ ना कुछ अपना लकी अनलकी जानते हैं, तो क्वेरिस्ट को पता होता है मेरे लिए 6 नंबर लकी है, 5 नंबर लकी है, तो वो बायस्ड हो जाता है। आप उनसे बोलोगे 1 से 249 नंबर बोलो, तो वो अपने के दिमाग में कैलकुलेट करेंगे, वो बोलेंगे 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, जो सम अप होके 6 पे आ रहा है। तो उससे क्या होता है, जब वो बायस्ड हो जाते हैं तो प्रश्न का उत्तर सही नहीं आता। जो नेचुरल क्वेश्चन क्वेरिस्ट के दिमाग में कंसीव हुआ है, वो ही प्रश्न का उत्तर वो साथ में लेकर के आता है, और उसी उत्तर से रिलेटेड वो जो सीड नंबर देता है, वो एक तरह से चाबी है उसके प्रश्न को अनलॉक करके उसका उत्तर बना बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर के लिए। अब हमने क्या करा, एस्ट्रोलॉजर क्वेरिस्ट ने क्या करा, 6 नंबर मेरा लकी है, तो उसने ऐसा नंबर बोल दिया जिसका टोटल मान लो 6 है। जैसे 105 बोल दिया, 105 को हम जोड़ेंगे तो 6 नंबर आ जाएगा, 5, 1 और 5, 6। ओके, पर वो क्या हुआ, उसने उस क्वेश्चन के आंसर के लिए गलत चाबी पकड़ा दी। नेचुरली उसके दिमाग में 1 से 249 नंबर आना चाहिए, वो बोलना चाहिए। तो इस दुविधा को हटाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू अ वन डेक ऑफ कार्ड्स 1 से 249 का, विच यू कैन स्प्रेड ऑन योर टेबल्स एंड यू कैन आस्क द क्वेरिस्ट टू पुल वन कार्ड। ओके, उसके अंदर वो बायस नहीं हो पाएगा, ही विल हैव टू ड्रॉ अ कार्ड विच यूनिवर्स वांट हिम टू पुल फॉर द करेक्ट आंसर। यू गेटिंग मी? और एज ए एस्ट्रोलॉजर आप भी कार्ड पुल कर सकते हो। तो दिस कार्ड, दिस डेक आई एम गोइंग टू गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस सेशन। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, और हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिलती है। ओके, सो देर आर सम न्यू थिंग्स विच आई एम स्टार्टिंग विद दिस सेशन। और क्लासेस भी हमारी 21 की जगह 25 से 26 हो सकती हैं, बिकॉज मैंने प्रैक्टिकल सेशन इस बार काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उसी तरीके से जन्म लग्न शुद्धि, पूर्व निर्धारित घटनाएं, इन सब के ऊपर एक एक सेशन हम लोग रखेंगे। इट विल बी एज बैलेंस्ड बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स एज पॉसिबल। ओके, देखिए लास्ट टाइम मैंने ये ऑफर दिया था, अभी तो ये रिवोक हो गया क्योंकि 15 अगस्त पे मैंने दिया था, तो इसकी बात मैं नहीं करूंगा। ये और कुछ कोर्सेज हैं, 25 तारीख से एक वर्कशॉप शुरू होगी 6 दिन की, ये मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर है, मात्र 6 दिन की है, रोज 3 बजे इसकी क्लासेज होंगी, 5100 रुपये फीस है। ये उन लोगों के लिए है जो मैरिज या रिलेशनशिप में अपनी मास्टरी करना चाहते हैं और उनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा आइडिया है, क्योंकि आजकल संबंधों के ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं, और वो ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि तत्कालीन है, कंटेम्परेरी है। आजकल शादी में वो प्रॉब्लम नहीं है जो आज से 20-40 साल पहले आती थी, जैसे टिपिकल प्रॉब्लम होती थी कि मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरी डाइवोर्स करने वाला है, दूसरी पत्नी ला रहा है, इस तरह के क्वेश्चन होते थे 50 साल पहले, मेरा पति झगड़ालू है, शराबी है, मारता है। ओके, फीमेल इतनी ज्यादा पढ़ती नहीं थी तो उनकी डिपेंडेंसी मेल पे होती थी। अब एवरीबडी इज एजुकेटेड, एवरी फीमेल्स आर नाउ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे आर एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड। ओके, दे आल्सो ज्वाइन आईटी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एवरीवेयर दे आर देयर, एंड दे हैव एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट एवरीवेयर दे गो। तो वेस्टर्न कंट्रीज के भी प्लस और माइनस इंडिया में जो भी अच्छे समझो या बुरे समझो, देखिए अच्छा बुरा सब इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं बोलूँ कि मुझे एक चीज बुरी लग रही है, दूसरा कहेगा ये तो नॉर्मल चीज है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो अच्छा बुरा तो सबके लिए उसके दिमाग का एक एक थिंकिंग सेट है जो उसको बचपन में उसकी अपब्रिंगिंग के दौरान उसको मिला है, तो अच्छा बुरा को जज करने के लिए हम नहीं बोलेंगे। बट वाट वी कैन से कि हम यूनिक प्रॉब्लम है कि जैसे मेल टू मेल भी शादियां हो जाती हैं, फीमेल टू फीमेल शादियां हो जाती हैं, रिलेशनशिप होती है, विदाउट मैरिज पीपल स्टार्ट लिविंग। ओके,
तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अभी मैं यहाँ बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड देर आर सम टॉपिक्स विच आर कंसिडर्ड टू बी टैबूज, जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो दैट विल बी ऑल्सो बी कवर्ड। सो इट इफ एनीबडी वांट्स टू अटेंड दिस वर्कशॉप ही और शी शुड कम विद अ ब्रॉड माइंड ऑफ फ्रेम। ओके, चलिए आज हम केपी पर फोकस करते हैं, केपी के लिए आए हैं। अभी मैं आपको जरा सबको वो कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों से पूछूंगा, कोई मुझे बताए आप लोग केपी क्यों सीखना चाह रहे हो? क्या आप पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, या आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है और आप केपी भी सीखना चाहते हो? एक दो लोग मुझे बताएं, कोई भी बताए कि वो केपी ज्वाइन करने के क्या कारण समझते हैं। एक दो लोगों से फीडबैक लूंगा, एनीबॉडी जो अपना बताना चाहे। आप लोग अनम्यूट हो गए हो ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूँ। देखिए एस्ट्रोलॉजी तो हमारी वैदिक काल से चली आ रही है, पौराणिक काल से चली आ रही है, और उस पर बहुत काम हुआ हुआ है। और वैदिक फिर धीरे धीरे स्प्रेड होती गई, बृहत पाराशर होरा शास्त्र ने बहुत सारी बुक्स हैं जो शुरू में लिखी गई, और फिर वो साउथ में चली गई, ईस्ट में चली गई, वेस्ट में चली गई। तो एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग फ्लेवर आ गए, अलग अलग जो लोगों ने अलग अलग अपनी फाइंडिंग्स की के भी श्लोक उसमें ऐड करने शुरू किए। तो कहीं पे वो जैमिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, कहीं नाड़ी के नाम से जाने जाने लगी। साउथ इंडिया में अलग भी अलग तरह की दशा अंतरदशा, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे ऐड होती चली गई। पर जो लेटेस्ट है वो है कृष्ण मूर्ति पद्धति, जो कि अभी हम कह सकते हैं कि 100 साल भी, अभी 50 साल भी नहीं हुए होंगे जिसको जिसको अभी पढ़ते हुए। इसको कृष्ण मूर्ति जी ने डिस्कवर किया था। ये बहुत यूनिक सिस्टम है, ये बहुत फास्ट रिजल्ट देता है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एज आई टोल्ड यू, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई श्री कृष्ण मूर्ति जी, एंड ही वॉज ऑन दिस प्लानट अर्थ फ्रॉम 1908 टू 1972। ओके, इट इज रिगार्डेड एज अ मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम, है ना? और ये क्या है, आराम से आप सीख भी सकते हो। जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में नया है वो भी 2.5 महीने 3 महीने का कोर्स करके अपने को प्रोडक्ट पा सकता है। ही और शी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द एस्ट्रोलॉजी विच इज नॉट अदरवाइज पॉसिबल विद अदर एस्ट्रोलॉजी। लाइक इफ समबडी स्टार्ट विद वैदिक, तो इट टेक्स अराउंड 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स जब उसमें उस बंदे को कॉन्फिडेंस आए कि मैं भी कुछ इसके अंदर बता सकूं। क्लासिकल सिस्टम जो हमारे वैदिक चले आ रहे थे वो हैप हैजर्ड वे में लिखे हुए हैं। एक गुरु ने कुछ लिखा, फिर उसके शिष्य ने कुछ लिखा, फिर शिष्य ने कुछ लिखा, तो वो क्या है, वो फ्लो में नहीं है। ओके, सिस्टमेटिक नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है। वेयर एज केपी क्योंकि मॉडर्न सिस्टम है तो ये एकदम कॉन्टेम्प्रेरी चीजों को भी कवर करता है, आजकल की समस्याओं को भी कवर करता है। जैसे आजकल एजुकेशन में लोग नए नए सब्जेक्ट आ गए हैं, प्रोफेशन नए नए आ गए हैं, मैरिटल लाइफ में मैंने बताया अलग अलग चीजें आ गई हैं, एजुकेशन सिस्टम और ये फॉरेन कंट्री जाना अब जो है लोगों के लिए अट्रैक्शन हो गया है। तो इस तरह की चीजें हैं जो अब देश काल पात्र के हिसाब से चेंज हो गई हैं, वो सारी किशोर मूर्ति पद्धति के अंदर हम उनका उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो ये क्या है कायदे में, देखिए किशोर मूर्ति जी थे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने गहन अध्ययन किया था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का।
देन ही फाउंड कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज सो बिग सो विशाल कि आप उसको पढ़ते रहिए, दो जन्म भी पढ़ते रहिए, खत्म नहीं होगा। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी पद्धतियां हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिर अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग चीजें लिख दी है, कुछ चीजें कॉन्ट्रेडिक्शन हो गई है, कुछ लोग चीजें रिपीटेटिव है, कॉन्ट्रेडिक्टरी है, एक जगह कोई बात लिखी है, दूसरी जगह दूसरी बात लिखी है, मैथोडोलॉजिकल नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि ऐसे ऐसे करना है, जिसका जैसे मर्जी है वो वैसे करता है। किसी का मन कर रहा है डिविजनल चार्ट देखूं, किसी का मन कर रहा है मैं जीवन चार्ट से बता दूं, कोई कहता है जी मैं तो चलित चक्र भी लूंगा, कोई सुदर्शन चक्र लेके बैठ जाता है, कोई घटी भी देखने लगता है, कोई कहता है जी मैं पूरे सूडस वर्ग यूज करूंगा, एजुकेशन का प्रश्न देखना है तो D24 यूज करूंगा, प्रॉपर्टी के लिए D4 भी देखूंगा जो कि राइट है, पाराशर जी ने कहा था, संतान के लिए D7 चार्ट रेफर करूंगा, पति पत्नी के लिए D9 ओके, जो कि राइट प्रैक्टिस है, पर षोडश वर्ग यूज करना आसान नहीं है, बहुत टाइम लगते हैं उसको ओके। और ये सारा सब्जेक्टिव है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद हमको जब उसको अप्लाई करना पड़ता है, इट इज नॉट ईजी, बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनको लेके हम यूज करके जब उसको अप्लाई करते हैं तो वन विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई। कोई पूछे जी मेरा बेंगलोर ट्रांसफर हो गया, जाऊं या ना जाऊं आपका, और फिर मेरा वहां बेंगलोर जाना शुभ रहेगा या अशुभ, तो इसका उत्तर हमें देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कहने को तो हम कह सकते हैं जी हमने व्रत पारा शास्त्र पढ़ लिया, फल दीपिका पढ़ ली, सत्यात्रागर पढ़ लिया, सारे बड़े बड़े ग्रंथों के हम नाम दे सकते हैं, पर जब नॉलेज को अप्लाई करने की बात आए तो बहुत मुश्किल होती है। ही आल्सो स्टडीड नाड़ी के अंदर ही आल्सो फाइंड सम सिस्टम्स वर वेरी गुड, लाइक कि वो मैथमेटिकल मॉडल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, इट मेक्स इट ईजी टू प्रेडिक्ट। उसके अलावा उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी अध्ययन किया और पाया कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दृष्टि संबंध बनते हैं जो कि डिग्री वाइज बनते हैं ओके, वो बड़े पावरफुल होते हैं। तो उन्होंने ही टुक बेस्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो इस तरह की चीजें इकट्ठी हो गई थी कि जो बहुत सारी थ्योरी है पर यूज नहीं होती, उसको उन्होंने डिस्कार्ड करा, और ही टुक बेस्ट ऑफ नाड़ी एंड ही टुक बेस्ट ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को लेके उन्होंने ही मेड वन ब्यूटीफुल सिस्टम विच इज नोन एज KP एस्ट्रोलॉजी। KP स्टैंड्स फॉर कृष्णमूर्ति जो कि इसके फाउंडर थे, P इज फॉर पद्धति मतलब सिस्टम ओके। तो इस सिस्टम के द्वारा हम किसी भी इवेंट का घटना होगी या नहीं, होगी तो कब होगी, किस साल होगी, किस महीने होगी, किस पल में होगी, वहां तक की फाइन ट्यूनिंग करके बता सकते हैं। तो देयर इज अ प्रोसेस लाइक फाइंडिंग द प्रॉमिस, देन टाइमिंग द इवेंट, एंड देन बाय अप्लाइंग द गोचर और ट्रांजिट वी कैन रीच टू द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दैट इवेंट विल इन एक्चुअली हैपन ओके। तो कुछ चीजें हैं जो अभी हो सकता है जो आप लोगों के लिए नई हो, पर मैं अभी बोलता हूँ तो जिससे कि आपके दिमाग में थोड़ा रजिस्टर हो। तो एक चीज तो ये है कि इसके अंदर जो प्लैनेट को मानते हैं, प्लैनेट को बोलते हैं कि मुख्य रूप से वो अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। देखिए जब कोई जातक पैदा होता है, द टाइम अ नेटिव इज बॉर्न एंड हिज कॉर्ड इज कट फ्रॉम हिज और हर मदर and the child become independent and breathe on her own okay, when he takes the first breath, जो इसका मतलब वो संसार में आया independently, उस time पे zodiac में planet की जो positions हैं, कौन सा planet कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो डिसाइड कर देता है पूरे जीवन में इस बालक के कौन कौन सी अच्छी और बुरी घटनाएं घटित होंगी और दशा भुक्ति अंतरा के हिसाब से वो घटनाएं कब कब घटित होंगी। वो घटनाएं सीधी सीधी संबंध बनाती हैं उसके पूर्व जन्म के कर्मास से, जो ट्रायल बैलेंस वो अपने अच्छे और बुरे कर्मास को लेके पैदा हुआ है,
जो उसके पूर्व जन्म के कर्माज हैं, जो उसने अच्छे कर्माज किए हैं, ही विल बी रिवार्डेड फॉर दैट एट अप्रोप्रिएट टाइम इन अप्रोप्रिएट दशा एंड भुक्ति एंड वाट एवर सिन ही हैज कमिटेड इन हिज पास्ट लाइफ ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट। ओके, तो इसी को हम कहते हैं प्रारब्ध। तो जो उसको पनिशमेंट मिलेगी वो कौन सी दशा भुक्ति अंतरा में मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये भी डिसाइड होता है। कई लोग होते हैं थोड़ा बीमार पड़ के ठीक हो जाते हैं, कोई लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, कोई लोग रिकवरी नहीं कर पाते, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। किसको कैसी पनिशमेंट मिलनी है, किसके द्वारा मिलनी है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। इन एस्ट्रोलॉजी व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डीकोड व्हाट एवर इज रिटन, व्हाट एवर दोज प्लैनेट्स टेल। ओके, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो बेस्ड ऑन दैट कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में था, वो नक्षत्र लॉर्ड कौन से घर में बैठा है, किस घर का लॉर्ड है, उस घर के रिजल्ट मिलते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या है, और प्लैनेट स्वयं बन जाता है सोर्स, मतलब उस घर के माध्यम से रिजल्ट मिलेंगे। ये चीज हम बहुत डिटेल में समझेंगे, तो अभी तो मैं आपको ये समझिए बुलेट पॉइंट कुछ बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको हम बहुत डिटेल में कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर एक नई थ्योरी विच वॉज डिस्कवर्ड बाई श्री कृष्ण मूर्ति जी हिमसेल्फ, सब लॉर्ड थ्योरी। हर नक्षत्र को उन्होंने 9 भागों में बांट दिया था। ओके, और हर 9 भाग का कोई ना कोई प्लैनेट एक लॉर्ड होता है। तो उस प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वहां के तो रिजल्ट मिलते हैं, बट दोज रिजल्ट विल बी गुड और बैड इज डिसाइडेड बाय द सब लॉर्ड। जैसे कोई प्लैनेट है, उसका नक्षत्र लॉर्ड शादी के घर से संबंध बना रहा है, शादी के घर का कार्येश है, शादी के घर में बैठा या ओनर, तो ये पता लगा कि इस प्लैनेट की दशा चलेगी। तो अगर जातक मैरिज एबिलेज में है तो उसकी शादी होगी, मैरिज हो चुकी है तो ही विल हैव समथिंग रिलेट मेजर थिंग्स रिलेटेड टू मैरिज हैपनिंग ड्यूरिंग दोर दशा एंड अंतर्दशा, बट दोज इंसिडेंट और इवेंट विल बी गुड और बैड। क्या उसकी मैरिज अच्छी चलेगी, हारमोनियस चलेगी, या क्वारलसम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सेपरेशन होंगे, फिजिकल सेपरेशन होगा, मेंटल सेपरेशन होगा, डाइवोर्स होगा, जो भी शादी की समस्याएं हैं वो आएंगी, या उसकी शादी जो है बहुत खुशहाल चलेगी। तो ये नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड मिल के बताते हैं, और प्लैनेट बताएगा कि किस भाव के वजह से ये चीजें अच्छी और बुरी होनी है। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, ये तो बैकबोन है। अनादर न्यू थिंग विच कृष्णमूर्ति जी गिव इज रूलिंग प्लैनेट, इसको डिवाइन प्लैनेट भी कहते हैं, दैवीय मदद भी कहते हैं। ये वो प्लैनेट हैं जो यूनिवर्स से एस्ट्रोलॉजर को हेल्प करते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अभी जो मैंने आप लोगों की बात की थी कि मैं 1 से 249 के होरारी कार्ड्स, आई विल गिव यू अ डेक ऑफ कार्ड्स होरारी के 1 से 249 फ्री विद दिस कोर्स, वो यहीं पे काम आते हैं। किशन मूर्ति जी का कहना था कि कोई भी क्वेरिस्ट जब प्रश्न लेके आता है तो उत्तर उसका साथ में लाता है, एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ उसको डीकोड करके उत्तर देना होता है। ओके, तो रूलिंग प्लैनेट्स वो प्लैनेट है जिस टाइम एस्ट्रोलॉजर किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है। तो कुछ खास प्लैनेट होते हैं जिसको दैवीय प्लैनेट कहते हैं, जैसे कुछ मैं आपको आइडिया दे दूं कि उस टाइम कौन सा लग्न उदित है, लग्न कौन से नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड कौन है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, कौन सी राशि में है, उस दिन कौन सा दिन है, ये मुख्य रूप से रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं। इसकी सहायता से हम बहुत चमत्कारिक प्रेडिक्शन करते हैं। कुछ प्रेडिक्शन तो ऐसी हैं कि आज से पहले वो संभव ही नहीं थी। जैसे कि कोई कहता है आपसे कि मेरे हस्बैंड बॉम्बे से चले हैं रात को 9 बजे, एंड ही टोल्ड मी ही विल रीच दिल्ली एयरपोर्ट एट 11:30, नाउ इट इज 12:30 एंड आई एम वरीड कि वो कहाँ है, फोन भी नहीं लग रहा है। तो कुंडली बना सकते हैं उसी टाइम की, प्रश्न कुंडली,
वही होरारी नंबर जो सीड नंबर है, और हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि ही विल बी कमिंग एट दिस मोमेंट, 1:14:56 पे वो आएंगे। इस तरह के कोई क्वेश्चन जिसको पूर्व निर्धारित घटनाएं कहते हैं, ओके। और सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट। आप कहीं जा रहे हैं, भोपाल से बॉम्बे जा रहे हैं, और किसी ने रास्ते में चेन पुल कर दी, एंड द पर्सन जो आपके नीचे बर्थ पे लेटा है वो कहता है, जी सर बताइए, आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं, कब पहुंचेंगे बॉम्बे? ये तो ट्रेन रुक गई, हमें तो पहुंचना था उस नियत समय तक, नहीं पहुंचेंगे तो हमारा तो इंटरव्यू था या कोई काम था, वो हमारा मिस हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट वन कैन टेल, द एस्ट्रोलॉजर कैन टेल कि दिस ट्रेन विल नाउ स्टार्ट एट दिस टाइम एंड विल रीच बॉम्बे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम एक्यूरेसी। ये देवीय प्लैनेट है, कैसे इसको यूज करते हैं, दैट आई विल टेल यू, ओके। तो यहाँ पे वो कार्ड आप उससे दे सकते हो कि आप कोई सा भी कार्ड खींचो, अगर आपके पास वो डेक है, ओके। डेक नहीं है तो आप वर्बली पूछ सकते हो, पर वर्बली पूछने में फिर क्या है, वो जो क्वेरिस्ट है वो बायस्ड हो जाता है, उसको पता है मेरा ये नंबर लकी है, वो ये नंबर बोल देता है, पर जब डेक है ही नहीं तो यू हैव नो अदर वे, ओके। देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी सीखने में जहाँ 10-10 साल लगते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी किसी भी घटना को बताने के लिए, सुधा जी बंद कर लीजिए माइक, किसी भी घटना को बताने के लिए बंद कर लीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। एपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम 2-2.5 महीने का जो कोर्स है उसको करने के बाद ही हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये 10-10 साल का कोर्स करने के बाद भी संभव नहीं होता। जो लोग दूसरे एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। और क्या हमको फायदा है इसको करने का, कि जो बिल्कुल फ्रेशर है वो भी शुरू कर सकता है, जो लोग दूसरी एस्ट्रोलॉजी करके आए हुए हैं वो भी इस कोर्स को करने के बाद। देखिए जैसे पहले मैं वैदिक का एस्ट्रोलॉजर था, सब कुछ वैदिक से करता था, प्रेडिक्शन भी सही आती थी, फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जिसका आंसर निकालने में दिक्कत होती थी। केपी किया तो उसके बाद बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जो वैदिक की वैसे समझ में नहीं आती थी, केपी करके स्पष्ट हो जाती है। मुख्य रूप से जो दशा भुक्ति अंतरा है, कौन सी दशा में, कौन सी भुक्ति में, कौन से अंतरा में क्या रिजल्ट मिलेंगे, ये किसी भी और स्ट्रीम से करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इफ इट नॉट इम्पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट होता है। पर केपी करने से मुझे दशा भुक्ति अंतरा को डिकोड करने में बहुत ज्यादा मदद मिली और उसमें सरलता आई। बाकी देखिए वैदिक है या कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, वो डिफिकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी तो सब जगह से होती है, प्रेडिक्शन भी आती है, पर वो डिफिकल्ट होती है, बहुत साधना चाहिए होती है। 16 डिविजनल चार्ट यूज करने चाहिए, लोग करते नहीं है, और जो करते नहीं है तो रिजल्ट गलत आते हैं। जबकि केपी में हमको 16 डिविजनल चार्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हम कसपल चार्ट लेते हैं और नक्षत्र को पहले ही 9 हिस्से में बांट दिया। एक एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो एक एक राशि के पहले ही जब हमने 22-22 डिवीजन कर दिए और हम हर प्लैनेट की पोजीशन हम सब लॉर्ड सब लेवल पे लेते हैं, तो पहले ही इतने बारीक हमने डिवीजन कर दिए हैं तो हमको सब डिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग सब डिवीजन उठाने का चक्कर खत्म हो गया, तो इससे बहुत हेडेक खत्म हो जाता है, ओके। देखिए बाकी एस्ट्रोलॉजी में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और मेथडोलॉजी का प्रोसेस है, उसको फॉलो करते करते हम लोग एक निश्चित आंसर पे पहुंच जाते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी में हमें बहुत सारे रूल और डिक्टम्स याद करने पड़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें ज्यादा रटना रटाना नहीं पड़ता है। एक बार हम सिस्टम को समझ गए तो कोई भी प्रश्न हो, प्रश्न अलग अलग हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हाउस अलग हो जाएंगे, प्लैनेट अलग हो जाएंगे, पर प्रोसेस विल रिमेन द सेम, हम उसका उत्तर दे सकते हैं प्रोसेस को फॉलो करके।
ऐसा नहीं है कि हर तरह की इवेंट के लिए हम जो है 50-50-60 तरह के रूल याद करें। ओके, जैसा मैं हर बार बताता भी हूँ कि जैसे जब हम केपी यूज नहीं करता था तो भाई डायवोर्स किसी का होना है तो उसके मैंने कम से कम 40-45 रूल याद मतलब पढ़ने पड़े थे। किसी का डायवोर्स होना है तो उसके अलग रूल है, किसी का डिनायल ऑफ मैरिज है मतलब किसी की कुंडली में शादी का योग नहीं है उसके अलग रूल होते हैं, लव मैरिज के अलग रूल होते हैं। ओके, और लव मैरिज में धोखा खाने के अलग रूल होते हैं, विदेश जाने के अलग रूल है, जेल जाने के अलग रूल है। तो हर चीज के रूल, कितने रूल आप पढ़ के याद कर सकते हो। ओके, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं, इस पे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और चीजें जल्दी हो जाती हैं इसमें। इसमें वंस यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इट विल बिकम वेरी इजी टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे ट्विंस हैं, बाकी एस्ट्रोलॉजी से अगर ट्विंस है जिसके बीच में 3 मिनट का फर्क है, 2 मिनट का फर्क है, परंतु उसके प्रोफेशन में उनके व्यवहार में बहुत फर्क हो जाता है। मैंने इसको सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा था वैदिक में, घटी चक्र ले लेके बैठते थे। ओके, पर बहुत मुश्किल होता है उसमें किसी भी जुड़वा बच्चे के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों पैदा हो रहा है, परंतु केपी के माध्यम से ये चीजें एकदम स्पष्ट नजर आ जाती हैं। क्योंकि जब सब लॉर्ड चेंजेस होते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है, ये हम कोर्स में समझेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं तो सारी चीजें डेमो में नहीं हो पाएंगी। आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट वन, स्पेशली मैं चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं वो भी आज का सेशन करने के बाद इस स्टेज पे आ जाएं कि वो प्रेडिक्शन कर सकें। प्रेडिक्शन से मतलब है कि घटना बता सकें कि घटित होगी या नहीं। तो दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि क्या मेरी शादी होगी या नहीं, मेरी उम्र 42 साल होगी, क्या मेरे संतान होगी या नहीं, और मैं विदेश जाऊंगा या नहीं। 3 तरह के क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देने के लिए हमें सालों साल लगते हैं, पर हम देखेंगे कि अभी 1 घंटे के सेशन में आप लोग मेरे साथ हो, आप खुद ही उसका मुझे उत्तर दोगे, वो लोग भी जो कि पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं। देखिए ये केपी चार्ट क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है, KP*1, ये मैं आपको दूंगा अलग से, ये फ्री मिलेगा आपको। तो अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। देखिए जोडियक है, देखिए सूर्य है, अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये 18 डिग्री की बेल्ट होती है, इमेजिनरी विच सराउंड द यूनिवर्स, इसी को जोडियक कहते हैं। और इसी बेल्ट के मध्य में हमारे 9 प्लैनेट घूमते रहते हैं। ओके, इस जोडियक के ही अलग अलग डिवीजन हम लोग करते हैं वैदिक के अंदर स्पेशली, जिसको हम राशियां कहते हैं और नक्षत्र। तो जब जोडियक को 12 भागों में डिवाइड करते हैं तो हर भाग को राशि कहा जाता है और हर राशि का कोई ना कोई प्लैनेट लॉर्ड बन जाता है। इन द सेम वे हम जोडियक को 27 छोटे हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक डिवीजन 13 डिग्री 20 मिनट का बन जाता है और हर डिवीजन को हम नक्षत्र कहते हैं। ये तो वैदिक वाली पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए ये 9 प्लैनेट हैं, ये ही जोडियक के बीच में घूमते रहते हैं और ये बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में होते हैं। 18 डिग्री की जो बेल्ट है उसके ऊपर भी नहीं जाते हैं, उसके नीचे भी नहीं जाते हैं। ओके, तो 12 साइन है, 27 नक्षत्र हैं, ये तो जोडियक के डिवीजन हो गए। ओके, तो दो ही डिवीजन होते हैं जोडियक के, साइंस एंड कॉन्स्टलेशन मतलब राशि और नक्षत्र। तो ये जैसे नक्षत्र है इसके 12 हिस्से हो गए, अलग अलग सिंबल है आप लोग देख सकते हो। ये इस तरह से हम 12 डिवीजन कर देते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ उन चीजों में बिकॉज। ओके, तो आप देख रहे हो 33 डिग्री के 12 हिस्से हो गए और हर हिस्से का नाम दे दिया। तो ये 12 राशियां बन जाती है हमारी, एरीज टॉरस से लेके पाइसिस तक, और हर साइन के लॉर्ड होते हैं। ओके, 9 प्लैनेट है, राशियां 12 हैं, तो दो दो राशियों को एक एक प्लैनेट की भी ओनरशिप मिल जाती है, राहु केतु को किसी प्लैनेट की ओनरशिप नहीं मिलती। इन द सेम वे हम
जोड़िए को 27 भागों में भी बांटते हैं और हर भाग को हम कहते हैं नक्षत्र। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। ये तो बात हमारी रही वैदिक की। केपी के अंदर एक नई चीज आ गई। वो नई चीज क्या आई? वो आई सब लॉर्ड। सब मतलब नक्षत्र को भी 9 हिस्सों में बांट दिया। नक्षत्र हमको लगेगा 13 डिग्री 20 मिनट का है, हमने बांट दिया, छोटा हिस्सा कर दिया, पर नक्षत्र यूनिवर्स इतना बड़ा है कि 13 डिग्री 20 मिनट भी बहुत विशाल है। उस 13 डिग्री 20 मिनट के नक्षत्र में प्लैनेट इस टाइम कौन सी पोजीशन में है, तो उसके और भी 9 डिवीजन चाहिए। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब जोडियक के 2 डिवीजन थे पहले से राशि और नक्षत्र के रूप में, उसके बाद जोडियक की जगह पे नक्षत्र को क्यों हमने 9 हिस्सों में बांटा? एक मिनट दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार कृष्ण मूर्ति जी को गणेश जी के उपासना में जाना पड़ा था, क्योंकि वो एक ऐसे प्रेशर में फंस गए थे कि जिसका उनको उत्तर नहीं मिल रहा था। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कोई भी प्लैनेट केपी में ऐसा माना जाता है कि अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। तो एक दिन कृष्ण मूर्ति जी बॉम्बे आए हुए थे और बॉम्बे में उस दिन उनका दिन खाली था। ही थॉट कि व्हाट शुड आई डू। उन्होंने अपनी जन्मपत्री देख रहे थे, वो उन्होंने पाया कि भैया चंद्रमा उस दिन ऐसे नक्षत्र से निकल रहा है जो दूसरे घर से संबंध बना रहा है, दूसरा घर धन का है। ही वॉज हैप्पी कि भैया आज तो धन मिलेगा। देखिए चंद्रमा एक नक्षत्र में कितने दिन रहता है, मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। देखिए चंद्रमा एक नक्षत्र में कितने टाइम रहता है? 2 दिन नहीं, नक्षत्र में कमल जी एक दिन रहता है, राशि में 2.25 दिन, नक्षत्र में इट विल रिमेन इन वन नक्षत्र फॉर वन डे। तो वो भरनी के नक्षत्र से निकल रहा था, भरनी का नक्षत्र का लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र उनका दूसरे घर से संबंध बना रहा था। उन्होंने कहा वहां तो धन मिलेगा, तो बॉम्बे के अंदर महालक्ष्मी कोर्स है और वहां पे आप हॉर्स रेसिंग कर सकते हो और ये लीगल है, ऐसा नहीं है कि इलीगल है। ही वेंट टू महालक्ष्मी कोर्स और उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया अपने हॉर्स रेसिंग पे। ही थॉट कि आज तो भाई चंद्रमा शुक्र से निकल रहा है, शुक्र धन स्थान से संबंधित है, अब तो मैं पैसे कमाऊंगा आज। और वो पैसा हार गए, ही लॉस्ट बिग अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो अब उनको 2 झटके एक साथ लग गए। क्या क्या झटके लगे? पहला झटका तो ये लगा भैया पैसे हार गए, और दूसरा झटका ये लगा कि हार क्यों गए, ये तो धन से मिलना था, धन आने की जगह चला कैसे गया। तो वो चिंता मुक्त होके और अपना घर की तरफ जा रहे थे, परेशान थे कि भैया ये एक तो पैसा हार गया, ऊपर से जो है हारा क्यों, मेरी तो एस्ट्रोलॉजी में इसका मतलब कुछ ना कुछ, देयर इज समथिंग एल्स विच आर कंट्रोलिंग द थिंग्स, इसके आगे भी कुछ है, वो सोचते हुए जा रहे थे। व्हेन ही रीच्ड हिज होम हिज वाइफ गेव हिम अ बिग बॉक्स या एनवेलप व्हाटएवर और उसके अंदर पैसा था। कहती है कि भाई आपने जो पैसे दिए थे अपने फ्रेंड को कि वो कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, रिवेन्यू शेयरिंग करेंगे, प्रॉफिट होगा, आपने कहा इसे राइट ऑफ कर दो, पैसा नहीं मिलता, प्रॉफिट तो क्या मिलेगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी गया, पर वो तो प्रिंसिपल अमाउंट भी दे गए और प्रॉफिट भी आपको दे के गए। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर बीइंग लेट बट ही हैज रिटर्न ऑल द मनी विद प्रॉफिट। अब कमल जी बाकी लोग ये उनके लिए सेकेंड शॉक था कि चंद्रमा तो अब भी शुक्र में ही चल रहा है, अब ये धन लाभ कहाँ से हो गया, ये तो मैंने इसकी तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनके उस टाइम उसके पास उत्तर था नहीं। फिर वो गणेश जी की आराधना में विलीन हो गए, कुछ दिन तक अपना विलीन रहे। देन ही सडनली फाउंड
देन सडनली आइडिया और द सॉल्यूशन हिट हिज माइंड. तो उन्होंने कहा जब जातक पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र से दशाएं अंतरदशाएं शुरू होती, उसका भी कुछ लिंक नक्षत्रों से होना चाहिए. तो जो दशाएं जिस क्रम में होती हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा, जिसको पता है उसको अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो सुने. दशाओं का क्रम निश्चित है. जब नेटिव पैदा होता है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के लॉर्ड से उसकी दशा शुरू होती है, फिर इसी क्रम में चलती है और हर प्लैनेट के लॉर्ड की पीरियड भी फिक्स है और टोटल पीरियड 120 साल होता है. कोई सन के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो सूर्य की दशा शुरू होगी, फिर चंद्रमा की चलेगी, फिर मार्स की. तो ही थॉट कि हर नक्षत्र भी 9 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए. जिस तरीके से 9 प्लैनेट की दशाएं हैं, उसका क्रम भी उसी दशा ऑर्डर में होना चाहिए जिस क्रम में प्लैनेट्स हैं, और जो उसके 9 डिवीजन है उनका साइज भी उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में उस प्लैनेट को 120 साल में नंबर ऑफ इयर्स अलॉटेड हुए हैं. जैसे केतु को 7 हुए हैं, इसका इसका डिवीजन छोटा होगा. मतलब कोई भी प्लैनेट नक्षत्र के उस भाग में कम पीरियड के लिए रह पाएगा. और वीनस क्योंकि 20 साल मिले हैं 120 साल में, तो कोई भी प्लैनेट उस नक्षत्र से गोचर करेगा तो वीनस के पीरियड बड़ा होगा, तो उसमें ज्यादा देर तक प्लैनेट वो रहेगा. तो उन्होंने एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में बांट दिया. और क्या करा, देखिए अब इस चीज को समझ लीजिए बस. ये सब लॉट थ्योरी है, इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी तो उसमें कैलकुलेशंस हैं दैट आई विल टेल यू इन इन द कोर्स. अभी मैं आपको मोटी बात बता रहा हूँ. देखिए कोई भी नक्षत्र है उसका साइज कितना होता है, कोई मुझे बताए. हाउ मच, और कोई बताए, और कोई एक नक्षत्र का साइज. चलिए एक नक्षत्र का साइज 13 degree 20 minutes. 13 degree 20 minutes. बिल्कुल ठीक बोला आपने, 13 degree 20 minutes होता है. ओके, तो व्हाट ही डिड, और इसका नक्षत्र लॉट. अच्छा मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ नक्षत्र का, कौन सा नक्षत्र है ये, कृतिका. ओके, कृतिका का लॉर्ड कौन है, कोई बताए मुझे. सन, सूर्य, बिल्कुल सही. तो बस ये चीज समझ लीजिए डिवीजन कैसे होता है. किसी भी नक्षत्र का डिवीजन होता है, उसके 9 डिवीजन कर दिए, हर डिवीजन का कोई ना कोई प्लैनेट की लॉर्डशिप मिलती है. तो जो पहला डिवीजन होता है उसकी लॉर्डशिप उस प्लैनेट को मिलेगी जिस नक्षत्र के डिवीजन हो रहे हैं. तो यहाँ कौन से कौन से नक्षत्र का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, सन का. हाँ नहीं, नक्षत्र का नाम बताइए. कृतिका. कृतिका, कृतिका का लॉर्ड कौन है, सन. तो पहले भाग की लॉर्डशिप सन को मिल गई, और उसके बाद के जो आठ प्लैनेट जिनको लॉर्डशिप मिलेगी उनका क्रम वही होगा जो दशा में होता है. तो सन के बाद दशा में किसका क्रम आता है, विषुवंतरी दशा में चंद्रमा का, फिर मार्स का, फिर राहु का, फिर जुपिटर का, फिर सैटर्न का, फिर मरकरी का, फिर केतु का, फिर वीनस का. ओके, तो इसी क्रम में हमारे ये सब लॉर्ड अलॉट हो जाते हैं. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. सबको क्लियर है? देखिए बहुत डिटेल में हम समझाएंगे इसको कोर्स में, अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है कि सब लॉर्ड होता क्या है. ये सब फॉर्मूलाज हैं, आई विल एक्सप्लेन. अभी तो देखिए डेमो में मैं बताने को तो बता दूंगा, बट ये ना इट विल टेक, बहुत टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है. देखिए ये टेबल है 1 से 249 जो मैं आपको नंबर अभी बता रहा था. ये टेबल कैसे फॉर्म होती है,
1 से 249 नंबर ही क्यों कृष्ण मूर्ति जी ने बोला, 1 से लेके 512 क्यों नहीं बोला, 1 से लेके 50 क्यों नहीं बोला, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन इन द कोर्स. ओके, देखिए अब हम सीधे बात पे आते हैं. कृष्ण, ये जो हमारा, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं. देखिए ये एक हमारा स्क्रीन है, सिर्फ हमको ये चाहिए, दुनिया का कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है, वी नीड ओनली दिस स्क्रीन. थोड़ी बहुत और चीज चाहिए, जैसे आपको दशांतर दशा की डिटेल चाहिए हो सकती है, वो भी यहाँ पर आ रही है. ओके, तो देखिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, कसपल का कसपल. एक सेकंड दीजिएगा जरा, एक सेकंड. देखिए एक तो हमको चाहिए भाव चलित चार्ट, इसको निरायण भाव चलित चार्ट भी कहते हैं, केपी में इसको कहते हैं कसपल चार्ट. और हमको चाहिए होते हैं प्लैनेट और उसके सिग्निफिकेटर, और कस्प और उसके सिग्निफिकेटर. कस्प, कस्प का मतलब होता है ये भाव. ये देखिए ये जो कुंडली है इसके अंदर कोई भी कुंडली हो, किसी का भी कुंडली हो, चाहे आपकी हो या किसी और की हो या मेरी हो, लगन कोई भी हो, मतलब आप ये कस्पल चार्ट में देखोगे ये 12 भाग होते हैं. यहाँ जहाँ पर एसेंडेंट लिखा है ASC, ये हमेशा पहला भाग होता है, यहाँ पर हमेशा ASC लिखा होगा, इसको हम बोलेंगे प्रथम भाव. उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाग हो गए, इसको 12 भाव भी कहते हैं, 12 हाउस भी कहते हैं, केपी में इसको 12 कस्प कहते हैं. तो ये फर्स्ट कस्प है, ये सेकंड कस्प है. दूसरी चीज जो हमको समझनी है, जीवन में जो भी कुछ घटित होगा वो इस 12 भाव के अंदर ही छुपा हुआ है. मैं बाहर जाऊंगा या नहीं, विदेश में मेरी शिक्षा होगी या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, मेरा तलाक होगा या नहीं, मेरी मैं IAS में सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, इलेक्शन का टिकट मिलेगा या नहीं, मैं मेरी बेल हो जाएगी या नहीं, कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आपकी लिखावट कैसी है, बोलचाल कैसी है, रंग रूप कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, सब कुछ इसके अंदर छुपा है. आपके बाल कैसे हैं, नाखून कैसे हैं, जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जो इस 12 भाव के अंदर छुपा हुआ नहीं है. तो 12 भाव तो जीवन में, हर भाव जीवन में होने वाली कुछ खास खास घटनाओं को बताता है. पहला भाव हमेशा कुछ खास घटनाओं को बताएगा, वो मैं बताऊंगा आपको, दूसरा कुछ और. तो ये तो भाव हो गए, पर उन भावों का रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट देते हैं प्लैनेट, जो कि निरंतर घूमते रहते हैं. ओके, तो प्लैनेट के माध्यम से रिजल्ट मिलते हैं. वो प्लैनेट कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं, उस भाव के जो भी कार्यकत्व होते हैं वो रिजल्ट वो प्लैनेट देता हुआ जाता है. किस प्लैनेट को क्या उनसे घर की जिम्मेदारी मिली है, उसको प्लैनेट सिग्निफिकेटर कहते हैं. तो देखिए इस कुंडली में सन मून मार्स लिखा हुआ ना, ये 9 के 9 प्लैनेट, इसके आगे ये नंबर लिखे हुए हैं 1, 8, 2, मतलब ये है कि इस कुंडली में सूर्य को पहले घर की और 8वें घर की जिम्मेदारी मिली हुई है. ये सिग्निफिकेटर है पहले घर का और 8वें घर का. और चंद्रमा को जो जिम्मेदारी मिली हुई है वो पहले घर की, दूसरे घर की, तीसरे घर की, 10वें घर की, 12वें घर की. जब भी चंद्रमा की 10वां दशा चलेगी, भुक्ति चलेगी, अंतरा चलेगी, चंद्रमा उस पीरियड में उसको पहले घर से संबंधित, दूसरे घर से संबंधित, तीसरे, 10वें, 12वें घर से संबंधित घटनाएं उसके जीवन में घटित कराएगा. अच्छी होंगी या बुरी वो सब लॉर्ड बताएगा. ओके, या दशा और भुक्ति चल रही है उसके कॉम्बिनेशन से पता लगेगा. ओके, तो ये तो प्लैनेट सिग्निफिकेटर हो गए. प्लैनेट सिग्निफिकेटर का मतलब होता है जब वो जातक पैदा हुआ है उस टाइम प्लैनेट, जिस टाइम उसकी नेटिव ने बर्थ लिया है, प्लैनेट कौन से राशि में था, कौन से नक्षत्र में था,
और कौन से सब लॉर्ड में था, मतलब नक्षत्र के कौन से नौवे हिस्से में था। ये तीन चीज डिसाइड करती है प्लैनेट का, एक तरह से जीपीआरएस है। जिस टाइम ये नेटिव पैदा हुआ है प्लैनेट का जीपीआरएस है, मतलब प्लैनेट उस टाइम कौन से राशि में था, कौन से नक्षत्र में था और कौन से सब में था। उसी प्रकार ये जो 12 भाव है, जब जातक पैदा होता है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, तो जो 12 राशियां हैं वो उसको उस टाइम पूरब दिशा में कौन सी राशि उदित है वो उसका लग्न बन जाता है। अब वो कितनी गुजर चुकी है, जैसे इसमें पहले कस्प में 25 डिग्री लिखा है, मतलब ये जातक जब पैदा हुआ था धनु राशि 25 डिग्री घूम चुकी थी, ओके 5 डिग्री के करीब बची हुई थी, ओके। तो पहला कस्प इसकी जिंदगी का धनु राशि है जो कि 25 डिग्री पे शुरू हुआ है, और वो जो डिग्री है वो जुपिटर की राशि में पड़ रही है, वीनस के स्टार में पड़ रही है और मर्क्यूरी के सब में पड़ रही है। ये जो कस्प का सब लॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पकड़ के आप लोग आज ही मुझे बताओगे इस जातक की शादी होगी या नहीं, बच्चे होंगे या नहीं, विदेश जाएगा या नहीं। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बतानी है, जरा उनको भी समझ लीजिए। मुझे बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है सबको? चलिए बंद कर लीजिए, प्लीज बंद कर लीजिए माइक, किसी का खुला हुआ है। शैलेश जी आपका तो खुला हुआ नहीं है, चलिए फिलहाल मैंने अनम्यूट कर दिया, ओके। चल एक चीज आप समझ लेते हैं, अब हम थोड़ा प्रेडिक्शन की तरफ आते हैं, ओके। एंड यू विल रियलाइज हाउ फास्ट एंड हाउ एक्यूरेट एंड हाउ कॉन्फिडेंट यू कैन बी। इसके अंदर कोई दुविधा नहीं होती, केपी के अंदर जो हम प्रेडिक्शन करते हैं आप 100% होके बोलोगे कि हाँ ऐसा होगा, ओके। देखिए हम इसको समझते हैं, पहले मैंने आपको बताया 12 भाव। देखिए कोई भी टिपिकल कुंडली है, कस्पल चार्ट समझ लीजिए, ये एक नंबर लिखा है पहले लग्न में, इसका मतलब ये मेष लग्न है। हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं कौन सा लग्न है, अभी मैं 12 भाव की बात करूंगा और कौन सा भाव कुंडली में क्या रिजल्ट देता है, एज पर हम कह सकते हैं वैदिक, ओके। तो पहला घर कुंडली का, चाहे कोई भी लग्न हो, किसी की भी कुंडली हो, साई राम जी अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं बाद में विंडो खोलूंगा उस टाइम आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। अभी अभी करीब सेशन जैसे ही फिनिश होगा मैं सेशन को खोलूंगा, उसमें मैं सबके प्रश्न लूंगा। देखिए व्यक्ति का देखने में कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये और उसका हेल्थ कैसी रहेगी, उसका झुकाव किधर होगा, ये सारा का सारा हमें पहले घर से पता लगता है। दूसरा घर बताता है व्यक्ति के कुटुंब के बारे में, कुटुंब की वृद्धि जो होती है उसके बारे में, और उसके धन कितना रहेगा, उसकी बैंक की पोजीशन क्या रहेगी, उसका स्वअर्जित सेल्फ अर्न मनी की पोजीशन क्या रहेगी। कोई आपसे पूछे कि मैं आजकल बहुत परेशान चल रहा हूँ, क्या मेरे पे आगे कभी पैसा होगा, या कोई माता पिता पूछे कि मेरी संतान जीवन में कितना धन कमाएगी, उसकी जिंदगी में धन की पोजीशन कैसी रहेगी। दूसरा घर फाइनेंस के बारे में बताता है। तीसरा घर कम्युनिकेशन छोटे भाइयों के बारे में बताता है। एक एक घर इतनी चीजों के बारे में बताता है कि अगर आप उत्तर कालामृत या ग्रंथ पढ़ोगे आप पाओगे कि एक एक घर से दो दो पेज के कार्यकत्व होते हैं, यहाँ मैंने बिल्कुल मुख्य कार्यकत्व लिखा है। चौथे घर से माता के बारे में पता पड़ता है, प्रॉपर्टी जायदाद के बारे में, उसकी अर्ली एजुकेशन 12वीं तक की, और उसकी
गाड़ियों के बारे में, डोमेस्टिक हैप्पीनेस चौथे घर से, पांचवा घर संतान के बारे में, और बहुत कुछ देता है ये लव अफेयर्स, रोमांस इसी से आता है। तो ये पांचवा घर क्रिएटिविटी का है, स्पेकुलेशन का है, पर मुख्य रूप से ये संतान का जाना जाता है। ओके, छठा घर बहुत सी चीजें देता है, मुख्य रूप से ये घर है रोग, रिपु और ऋण, इसलिए 6, 8, 12 को बदनाम घर है। बदनाम इन द सेंस कि लोग उनसे डरते हैं कि ये खराब रिजल्ट देते हैं, पर 6, 8, 12 के बिना गुजारा भी नहीं है, क्योंकि छठा घर ही आपको बच्चे को कंपटीशन में सेलेक्ट कराएगा, इलेक्शन का टिकट दिलाएगा, इलेक्शन कोर्ट के अंदर मुकदमा भी जितवाएगा, नौकरी में भी प्रोफेशन में भी प्रोग्रेस देगा। तो छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर छठा घर साथ साथ रोग, रिपु और ऋण भी देता है, मतलब बीमारी भी देता है, रिपु मतलब दुश्मन भी देता है, उसी के कारण तो आप मुकदमाबाजी चलेगी, और ऋण मतलब ये कर्जा भी दिला देता है। सातवां घर स्पाउस के बारे में होता है, पति या पत्नी के बारे में होता है, बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में भी होता है। ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि स्पाउस का है, पति या पत्नी का। आठवां घर क्रोनिक डिजीज का है, दुर्भाग्य का है, अचानक होने वाली घटनाओं का है, एक्सीडेंट का है। नवा घर पिता के बारे में है, हायर एजुकेशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन, नवा घर है, बहुत कुछ है। अभी सारी चीज तो सारे कार्यकत्व मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, बिकॉज एक घर के बहुत कार्यकत्व होते हैं, इन द कोर्स आई विल कवर इट इन डिटेल। दसवें घर से प्रोफेशन और इसका स्टेटस पता लगता है। ग्यारहवां घर कृष्णमूर्ति पद्धति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाता है और लाभ स्थान भी है, लाभ भी है ये। बारहवां घर उसका उल्टा है, ये हानि का स्थान है, पर हानि के साथ साथ ये विदेश यात्रा, जेल, हॉस्टल, बहुत सारी चीजें देता है। ओके, तो अभी अभी हम इसको हानि के रूप में जानेंगे, ग्यारहवें घर को लाभ के रूप में, सातवें घर को पति पत्नी के रूप में, पांचवें घर को स्पेकुलेशन, दूसरे को वंश वृद्धि, और बारहवें घर को हानि के साथ साथ हम विदेश के बारे में जानेंगे, और नवे घर को लॉन्ग जर्नी। अभी तक क्या होता था, कोई कहे कि मेरी शादी कैसी होगी, होगी या नहीं होगी, तो सातवें घर से देखते थे, मेरा प्रेम विवाह होगा, मेरा मेरे संतान होगी पांचवें घर से, धन की स्थिति कैसी रहेगी दूसरे घर से, विदेश जाऊंगा या नहीं बारहवें घर से, तो एक ही घर पे फोकस करते थे, और रिजल्ट कई बार जनरल आते हैं, बहुत एक्यूरेट नहीं आ पाते हैं। जिन्होंने बहुत साधना करी है, जो दुनिया भर के जो हाउस के लिंक बनते हैं, डिविजनल चार्ट्स होते हैं, सबको यूज करके बताते हैं, उनकी बात अलग है, अदरवाइज बहुत कठिन होता है बाकी। पर केपी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें अपने आप निकल के आती चली जाती है। ओके, कौन सा प्लानेट कौन कौन से हाउस से लिंक बना रहा है, ये अपने आप निकल के आता है। ओके, सॉफ्टवेयर की गणना के भी द्वारा आ जाता है, और हम खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे दैट आल्सो आई विल टीच यू इन डिटेल। केपी के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, जिसने कि इसमें क्रांति पैदा की, और रिजल्ट एकदम एक्यूरेट और फास्ट आने लगे। इसमें क्या रहा, इसके अंदर एक हाउस पे ना लेके हम जो है ग्रुप ऑफ हाउसेज लेते हैं, किसी भी घटना के बारे में हम उत्तर देंगे, उसका प्राइमरी घर लेंगे, जैसे कि शादी के लिए सातवां घर है, संतान के लिए प्राइमरी घर पांचवा है, धन के लिए प्राइमरी घर दूसरा है। पर साथ ही साथ कुछ घर ऐसे हैं जो उस घटना को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि किसी की शादी होनी है। आप लोगों को पता है शादी के बहुत से कारण होते हैं, पर उसका एक कारण ये भी होता है कि वंश वृद्धि भी हो,
स्पेशली आप देखोगे घर में बड़े लोग होते हैं, कहते भी शादी करो, पोता चाहिए, पोती चाहिए खिलाने के लिए। शादी का लॉजिक उनका क्या है भैया, शादी करो, बच्चे चाहिए। तो क्या रहा, सब लोग बताइए, तो क्या क्या वंश वृद्धि शादी के लिए एक इनडायरेक्टली सपोर्टिंग हाउस हो गया, यस एंड नो, टेल मी एवरीबॉडी। तो ये दूसरा घर वंश वृद्धि का है, ये भी तो शादी से जुड़ गया। उसके बाद इच्छा की पूर्ति, शादी तो जब ही होगी ना जब इच्छा की पूर्ति होगी, या कुंडली में आपकी शादी की इच्छा पूर्ण होने का योग होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहें दो मिनट में शादी कर सकते हैं, नहीं करते। फिल्म स्टार्स हैं कितने जानते हो, बड़े बड़े हैं, वो नहीं करते शादी, इच्छा ही नहीं। या कहो कि उनकी कुंडली में योग ही नहीं है शादी से कनेक्ट होने का। ओके, तो शादी से कनेक्टेड सकारात्मक हाउस हो गए प्राइमरी तो सात, और इसको सपोर्ट करने वाले हाउस हो गए दो, क्योंकि ये वंश वृद्धि का है, फैमिली ग्रोथ का है, और ग्यारहवा क्योंकि ये इच्छा की पूर्ति का है। तो अगर मैं ग्रुप ऑफ हाउस की बात करूं तो शादी से संबंधित ग्रुप ऑफ हाउसेज हो गए 2, 7, 11, जो कि सकारात्मक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसी तरीके से संतान के लिए कह सकते हैं, संतान के लिए प्राइमरी हाउस 5वां घर है, परंतु वंश वृद्धि तो संतान के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो दूसरा घर संतान के लिए भी सपोर्टिंग हो गया, हार्मोनियस हो गया। और 11वां घर संतान की उसकी इच्छा है, तो संतान तो 11वां घर ही देगा। तो दूसरा घर और 11वां घर उसकी संतान से के लिए सकारात्मक हो गए, हार्मोनियस हो गए। तो संतान होने के लिए जो सकारात्मक ग्रुप ऑफ हाउसेज हैं वो कौन कौन से हो गए, कोई मुझे बताए? कोई मुझे बताए? देखिए बताते रहिए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2, 5, 11 हो गए, बिल्कुल ठीक बोला। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लूंगा और फिर हम देखेंगे हम इसको कुंडली में कैसे लगाएंगे। विदेश जाना है, विदेश जाने के लिए प्राइमरी घर 12वां घर है। अभी तक हम सिर्फ 12वें घर से बताते थे, परंतु विदेश जाने के लिए और भी हाउसेज हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, उनसे भी कनेक्ट होना चाहिए। क्या नवा घर नहीं चाहिए हमको लंबी यात्रा के लिए? क्या तीसरा घर एक्टिव नहीं होगा सेपरेट होने के लिए? उसके लिए मैं अभी, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। अभी तक हमने सकारात्मक हाउस की बात करी, अभी मैंने आपको बताया कि 12वां घर हानि का है, 12वां घर कुंडली में हानि का होता है। इस चीज को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो 12वां घर किसी भी घर से 12वां घर उस भाव के कार्यकत्व का लॉस है या हानि है। जैसे अगर मैं शादी की बात करूं तो शादी का घर कौन सा है? 7। तो 7 से 12 गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब छठा घर शादी की हानि हो गया। मतलब छठा घर शादी होने में नहीं होने देगा अगर शादी से पहले छठे घर की दशा चल गई। शादी के बाद छठा घर एक्टिव हो गया तो ये शारीरिक या मानसिक जो है सुख नहीं मिलेगा शादी का, डायवोर्स भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। ओके, इसी तरीके से दूसरे घर की हानि हो गया पहला घर, किसी भी घर से पिछला घर उसका 12वां घर हो जाता है। तो वंश वृद्धि से पिछला घर है 11वां, जो कि 2 से 12वां हो गया। तो पहला घर जो है दूसरे की हानि हो गया वंश वृद्धि की, और 11 से 12वां घर है 10, जो कि इच्छा की पूर्ति की हानि हो गया। तो शादी के लिए नकारात्मक हाउस हो गए 1, 6 और 10। 1 तो हो गया दूसरे घर का नकारात्मक, 6 हो गया 7वें घर का नकारात्मक, और 10 हो गया 11वें का। तो 1, 6, 10 वाला जो ग्रुप है इसको मैं डिट्रीमेंटल ऑफ फॉर मैरिज भी कह सकता हूँ, नकारात्मक कह सकता हूँ, नेगेटिव भी, कैसे भी कह लीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। तो शादी से संबंधित
कोई भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा तो मेरे पास दो ग्रुप आ गए, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। तो सकारात्मक ग्रुप कौन से नंबरों से बना? 1, 7, 10 नो, थोड़ा सा गलत हो गया। 2, 7, 11 2, 7, 11 बिल्कुल। और नकारात्मक कौन से नंबरों से बना? 1, 6, 10 1, 6, 10 एक्सीलेंट। इसी तरीके से संतान के लिए 2, 5, 11 सकारात्मक है, तो इनके लिए नकारात्मक कौन सा बनेगा, कोई मुझे बताए जरा। देखिए 2 का नकारात्मक क्या रहा है, इसमें 1 है ही, 11 का 10 है ही, तो ये तो शादी वाले कॉमन फैक्टर हो गए। संतान के लिए नकारात्मक घर कौन सा होगा, 5वें घर के लिए? 1, 4, 10 यस सर। तो 5वें घर से 12वां घर 4 है, तो संतान के लिए नकारात्मक हाउसेज हैं 1, 4 और 10, सकारात्मक है 2, 5, 11 ओके। ऐसे हम विदेश का कर रहे हैं, विदेश देखिए बंद कर लीजिए ये, साई राम जी अपना बंद करिए, साई राम जी माइक बंद करिए। विदेश जाने के लिए हमको लंबी यात्रा चाहिए, और देखिए 4वां घर हमारे घर का होता है, घर से सेपरेशन क्या होगा, 4वें घर से जो 12वां घर है वो घर से सेपरेट कर देगा। तो जब कोई विदेश जाएगा तो भैया उसको घर से सेपरेट तो होना पड़ेगा ना, तो विदेश जाने के लिए सकारात्मक हाउस हो गए 3, 9 और 12 ओके। 3, 9, 12 विदेश जाने के सकारात्मक है, नकारात्मक क्या हो जाएंगे, 12 से 12वां 11वां और 3 से 12वां 2 और 9 से 12वां 8। तो ये 2, 8, 11 विदेश के लिए नकारात्मक घर है। बस अब आप एक रूल समझ लीजिए एंड देन यू विल बी मोर देन हैप्पी एंड सरप्राइज, कि सिर्फ इस रूल को लगाने से आप वो प्रेडिक्शन कर सकते हैं जो कि हमको अदरवाइज सालों साल लगते हैं। ठीक है देसाई साहब? समझ गए। सबसे पहला प्रश्न तो ये ही होता है, सबसे पहला काम तो ज्योतिषाचार्य का ये ही है कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो उसकी जिंदगी में घटित होगा या नहीं। जब घटित होगा जबी तो हम बताएंगे कि कब घटित होगा, अगर वो घटित ही नहीं हो रहा तो फिर तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। वो कहता है जी मैं 28 साल की हो गई हूँ मेरी शादी नहीं, मैं 38 साल की हो गई हूँ मेरी शादी नहीं हुई क्या होगी, मैं 42 साल का हो गया हूँ मेरी शादी नहीं होगी क्या होगी, मैं विदेश जाने की इच्छा रखता हूँ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। कोई भी प्रश्न हो उस प्रश्न से संबंधित हाउस को देखिए, उस हाउस का जो सब लॉर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि इसके साथ ये घटना होगी या नहीं। उसका तरीका क्या है, अब मैं सीधा इधर आ जाता हूं। देखिए उससे पहले एक चीज देखिए, कुछ और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, देखिए एक टेबल है, इस टेबल में यू कैन सी हार्मोनियस एंड डिट्रीमेंटल हाउसेज, ऐसी मैं आपको बहुत सारी बड़ी लिस्ट मिलेगी कोर्स में। तो देखिए अभी आपने इधर देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट मैटर मतलब कौन सा इवेंट है उसके लिए कौन से हाउस हार्मोनियस है सकारात्मक है, कौन से हाउस डेट्रीमेंटल मतलब नकारात्मक है। तो शादी के लिए अभी हमने बात करी थी तो हमने पाया था हार्मोनियस हाउस से 2, 7, 11 और उसके लिए नकारात्मक थे 1, 6, 10। चाइल्ड बर्थ का भी हम समझ गए थे, 2, 5, 11 से संतान के लिए इंडिकेट कर रहा है सकारात्मक, 1, 4, 10 संतान के लिए नकारात्मक। फॉरेन ट्रेवल 3, 9, 12 सकारात्मक, 2, 8, 11 नकारात्मक। ऐसे ही धन कमाऊंगा 2, 6, 11 धन कमाना, 8, 12 धन गंवाना ओके। बहुत काम आता है बिजनेसमैन के लिए, तो ये गेन ऑफ मनी के तो कितने क्वेश्चन आते हैं, हम समझेंगे इन चीजों को। तो इस तरीके से हम एक अपने पास ये रेफरेंस टेबल रख सकते हैं, दैट आई विल प्रोवाइड यू ओके। अब हम देखिए
अब ये जातक 22 जनवरी 1998 को पैदा हुआ, कितने साल की उम्र होगी? 24. हर मदर वाज वरिड, क्योंकि इसकी बड़ी सिस्टर की शादी नहीं हुई, 33 साल की होगी। और ये भी बहुत डॉक्टरी कर रही है, पढ़ रही है। मदर वाज वरिड की बड़ी ने नहीं करी, कहीं छोटी भी ना करे, तो वो कहती है सर बताइए ये शादी करेगी नहीं करेगी। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये शादी करेगी या नहीं। रूल मैं बता देता हूँ, रूल क्या है इम्पोर्टेंट, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उस प्रश्न से संबंधित हाउस को सब लॉर्ड को चेक करेंगे। सब लॉर्ड जो भी प्लैनेट है उसको लिख लीजिए, उस प्लैनेट को फिर देखिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर वाली टेबल में जाके कि ये कौन कौन से हाउसेस का सिग्निफिकेटर है। उन हाउस के सिग्निफिकेटर में अगर पॉजिटिव हाउस के नंबर आ रहे हैं, कोई सा भी एक नंबर आ रहा हो, नॉट नेसेसरली ऑल नंबर्स हैव टू कम, इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ द पॉजिटिव हाउस इज कमिंग, इट मींस द इवेंट विल सर्टेनली हैपन इन हिज और हर लाइफ। और अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ नेगेटिव नंबर आ रहे हैं विच आर डेट्रीमेंटल फॉर दैट इवेंट, then that event will not happen in the native's life. और अगर you find कि भैया इसकी कुंडली में तो जो पॉजिटिव नंबर है, हारमोनियस नंबर है, उसमें से भी एक दो नंबर आ रहे हैं, और जो डेट्रीमेंटल है उसमें से भी एक दो नंबर आ रहे हैं, इट मीन्स कि घटना तो घटित होगी पर एट वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ उसको उस घटना का सुख नहीं प्राप्त होगा। ओके या जो नेगेटिव नंबर की दशा पहले चल पड़ी, जैसे शादी की है, तो उस पीरियड में उसकी विवाह भी नहीं हो पाएगा। ओके तो इसको हम कैसे करेंगे? अब ये जातक कहता है कि मेरी शादी होगी या नहीं, कौन सा घर मुख्य घर है, कौन सा घर का सब लॉर्ड को पकड़ू? सेवन। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको ये देता हूँ, लेता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। देखिए कम टू कस्प नंबर 7, ये कस्प क्या राशि लॉर्ड, देखिए मरकरी है यहाँ पर, देखिए राशि RL का मतलब राशि लॉर्ड, STL मतलब स्टार लॉर्ड, और SL का मतलब सब लॉर्ड। I told you सब लॉर्ड विल डिसाइड कि घटना विल हैपन और नॉट। सातवें घर से संबंधित प्रश्न है शादी होगी या नहीं, सातवें हाउस का सब लॉर्ड कौन है? टेल मी एवरीबॉडी, एनीबॉडी? मर्करी, बिल्कुल सही। नाउ मर्करी को देखिए प्लैनेट पोजीशन में, मर्करी के आगे भी आप लोग पाएंगे सिग्निफिकेटर, इसका मतलब है इस कुंडली के अंदर मरकुरी को इन इन भाव का कार्यभार मिला है। मरकुरी जब भी दशा चलेगी इन इन भाव के रिजल्ट देगा, अच्छे और बुरे वाट एवर, पर रिजल्ट देगा। वाट वी हैव टू सी कि मरकुरी के सिग्निफिकेटर में 2, 7, 11 क्या आ रहा है, आइदर 2 और 7 और 11, बस हमें इतना देखना। तो मर्करी में डू यू फाइंड 2 और 7 और 11 अपीयरिंग एनीवेयर? 7 आ रहा है, देन फॉर श्योर इसकी 100% शादी होगी। एक और बहुत खूबसूरत बात समझ लीजिए, शादी के नकारात्मक नंबर कैसे हैं, कौन से हैं? 1, 6, 10। तो सुधा जी इसकी कुंडली में 1, 6, 10 दिख रहे हैं? Yes. एक भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। हाँ जी। मतलब शादी भी होगी पर शादी का सुख नहीं है ना? हाँ जी। मतलब she will have a disturbed marital life, can I say that? हाँ जी। मैरिड लाइफ खराब है। हाँ,
परंतु एक और चीज का ध्यान रखेंगे, मैरिड लाइफ खराब है तो ये नहीं कि आज शादी हुई है कल से लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, ऐसा नहीं है। जब 1-6-10 के हाउस के कार रेस की दशा चलेगी उस पीरियड में दे विल हैव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, बट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द दशा भुक्ति अंतरा ऑफ द हाउसेस 2-7-11 इज रनिंग दे विल हैव अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? हाँ जी सर। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, इसमें 5 नंबर भी आ रहा है। क्या 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 बोल रहा है ये 5 नंबर? क्या बोल रहा है? Will she have arranged marriage, love marriage? Love marriage. Because 5 is for romance, 5 is for love marriage. तो आप मुझको बताइए कि आपने एक ही लाइन से कितनी सारी प्रेडिक्शन कर पा रहे हो, which is very difficult otherwise from other branches of astrology. Yes or no? Do you all agree with me? Yes or no? Yes. Yes. Vibhu ji. हाँ जी सर। अब दूसरा प्रश्न आप ही बताओगे, ऐसा कौन है सर इसमें 10th क्या बता रहा है, 1, 10, 12 क्या बता रहा है? ये वो बताते हैं जो हम पूछते हैं, वो क्या बता रहा है नहीं होता कुछ भी केपी के अंदर। ये मैं अपने सभी स्टूडेंट को समझाता हूँ, हर नंबर हमें चाहिए क्या वो बताता है। जैसे 6 नंबर लिखा है, शादी की बात कर रहा हूं तो ये कह रहा है कि शादी के लिए खराब है, पर वो ही अगर कहेगा प्रोफेशन मेरी नौकरी कब लगेगी तो 6 बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हैं? Okay. तो कोई भी नंबर अपने आप कुछ नहीं कहता है, उस नंबर को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग इसी में उलझे रहते हैं, वो कुछ नहीं बताएगा। देखिए ये प्रश्न किसने पूछा, जिसने भी पूछा, मैंने ये बहुत, मैंने पूछा। ठीक है, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु उस नंबर एवरी नंबर मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम शादी की बात कर रहे हैं तो इसमें 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12 आ रहा है, 6 भी समझ आ रहा है, 7 भी समझ आ रहा है, 5 भी, बाकी नंबर जो लिखा वो नहीं समझ, इसलिए मेरा क्वेश्चन पुट अप करना जरूरी है। आपका सही है, देखिए जरूरी नहीं है कोई नंबर शादी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा हो, कुछ नंबर अलग भी आएंगे क्योंकि मरकरी तो खाली शादी थोड़ी देगा, बहुत चीजें भी कराएगा ना ये। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि 10वां घर बताइए शादी के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक, 11वें से 12वां नेगेटिव है, नकारात्मक, तो नकारात्मक है ना, तो 10वां घर भी इसको परेशान करेगा। पर ये ही 10 नंबर इसको मान सम्मान देगा नौकरी में, समझ रहे? पर शादी के कॉन्टेक्स्ट में ये खराब हो गया। अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताए जो ये कहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में मेरा पहला कदम है आज, कौन है कोई? या फिर केपी पहली बार डेमो में पहली बार आए हो? सर मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। तो आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ? टाइम लगेगा, फिर भी ये बहुत फास्ट है। अब देखिए हमें ये देखना है इसके संतान होगी या नहीं, कौन बताएगा मुझे इसके संतान होगी या नहीं, और पूरा बताए, एकदम ये नहीं बताए कि होगी या नहीं, पूरा मतलब मुझे समझाए कि संतान होगी या नहीं, क्या क्या देखना है, सबसे पहले क्या करेंगे। एनीबडी टेल मी, एनीबडी ट्राई, एनीबडी वुड लाइक टू अटेम्प्ट? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत ही अच्छा बता रहे हो आप लोग। तो 5वें का सब लॉर्ड कौन निकला? वीनस। वीनस के नंबर चेक करते हैं, व्हाट वीनस इज गिविंग, वीनस को क्या जिम्मेदारी मिली है इस कुंडली में। वीनस को जिम्मेदारी मिली है पहले घर की, 5वें घर की जिम्मेदारी है, मतलब वीनस इसको संतान देने की जिम्मेदारी मिली है वीनस को। तो वीनस इट मींस द गर्ल विल बी ब्लेस्ड विद द चाइल्ड, देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट, इस लड़की के संतान होगी। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ,
जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनसे कहते हैं कि भैया मेरे संतान होगी, मैं 38 साल का हो गया, 42 साल की हो गई मेरी संतान होगी, या 40 की हो गई, इतने मतलब लेट हो गया शादी होगी, संतान नहीं है। कई बार एस्ट्रोलॉजर जब दूसरी पद्धति से बताते हैं तो इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो सब्जेक्टिव होते हैं, उसमें कोई क्वांटिफाई नहीं कर पाते। एक योग कह रहा है संतान होगी, दूसरा कह रहा है नहीं होगी, है ना। मैलेफिक भी देख रहे हैं, बेनिफिक भी देख रहे हैं, दुनिया भर के रिजल्ट आ रहे हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ज्योतिष कंफ्यूज होके पता है क्या कहता है, हाँ हो भी सकती है, हो भी सकती है, हो सकती है नहीं। देखिए हो सकती है और हो भी सकती है में कुछ फर्क है या नहीं, आप बताइए। बहुत बड़ा आप किसी के पास जाओ कि संतान होगी, अब वो आपसे कह दे जी हो भी सकती है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा ना खटका, भैया डाउट है, यस और नो। और दूसरा पंडित पे भी आएगा, वो कहेगा इसे हो भी सकती है, मतलब इसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। क्यों एमएल अग्रवाल जी, बिना बिना पान निकाले भी आप बता सकते हैं, वैसे अपना मुंह शेक करके या कैसे भी, चलिए अगर बताना चाहे या कोई भी बताना चाहे। तो देखिए जो प्रश्न करता है उसके दिमाग में संशय पैदा हो जाएगा कि ये जो ज्योतिष है इसको पता भी है या ऐसे ब्लफ मार रहा है। परंतु अगर आप कहोगे कि संतान होगी, भैया होएगी ही होएगी, देर इज नो आउट ऑफ डाउट, तो जो प्रश्न करता है उसके दिमाग में भी कॉन्फिडेंस आएगा, तसल्ली से वो घर जाएगा, और आप भी विदाउट एनी संशय बता रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीज है ये किसी और हाँ एस्ट्रोलॉजी में आनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ डाउट आया था एस्ट्रोलॉजर को। अब देखिए संतान तो होएगी इसके, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी 8 और 10 आ रहा है, ओके। तो प्रॉब्लम भी होगी। बिल्कुल सही कह रहा, बहुत अच्छा बता रही हैं। 8वां घर सर्जरी का भी होने लगता है, हो सर्जरी सकता है सर्जरी हो जाए, सिजेरियन हो जाए। होगी। और एक और चीज देखिए, वीनस है, वीनस का सब लॉर्ड कौन है। देखिए एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, उसको समझिए। देखिए वीनस का खुद का सब लॉर्ड कौन है, मार्स जो प्लानेट है ये सर्जरी देता है। मार्स अगर 5वें घर से संबंधित हो जाए तो सर्जरी देता है, और 8वें घर से संबंध हो गया तो वीनस का संबंध कनेक्शन सब लॉर्ड के माध्यम से मार्स से हो रहा है, ये सर नो। और 8वें घर को ये सिग्निफाई कर रहा है, यस और नो। शर्त क्या इस बालिका को, इस नेटिव को संतान सर्जरी के माध्यम से प्राप्त होगी, नॉर्मल नहीं होगी। तो हमने क्या करा है, क्वांटिफाई करके कितनी सारी चीजें हम एक लाइन को देख के बता रहे हैं। सुधा जी, दिस इज अदरवाइज वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, आई कैन एश्योर यू विद 100% कॉन्फिडेंस, या कोई किसी से भी आप पूछ भी सकते हो जिसको बहुत एक्सपीरियंस है। इस तरह के प्रश्न का इतना उत्तर जो आप 1 घंटे के सेशन के बाद दे रहे हो, ये स्टेज पे पहुंचने के लिए अगर मैं कहूंगा 8 साल 10 साल लगते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं है, मैं बढ़ा के नहीं बता रहा हूं, ओके। तो 2.5 महीने में यू कैन इमेजिन कि आप कितना सीख सकते हो प्रोफेशनल। बहुत से जो मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं मान सम्मान पैसा बहुत कुछ कमा रहे हैं। अभी मैं गया था एक फंक्शन में, बहुत अच्छा लगा, मेरे ही जो पढ़ाई के स्टूडेंट थे अवार्ड ले रहे थे, जीत रहे थे, अच्छा कर रहे थे, ठीक है। क्योंकि 2.5 महीने में 3 महीने में ही इतना कॉन्फिडेंस आता है कि यू कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और भी करेंगे प्रश्न, कुंडली वगैरह करेंगे। जैसे कि देखिए प्रश्न कुंडली होरारी भी हम करेंगे, जन्म लग्न शुद्धि करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसिंग पर्सन, डेड और अलाइव है, थेफ्ट एंड रिकवरी, पैसा फंस गया, मैंने 10 लाख रुपए दिए हुए हैं सर मुझे वापस नहीं आ रहे,
माल बना के सप्लाई करा हुआ है, लोग माल ले लेते हैं पैसा नहीं देते। मेरे 3-4 कॉलेज में एडमिशन हो गया, कौन से कॉलेज में जाऊं, मेरा ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा, कंपनी की हालत खराब चल रही है, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, उसकी बेल तो हो जाएगी, मतलब इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है। ये तो मैंने थोड़ा सैंपल लिख दिया। ओके चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन सा लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है फॉर देम कि ये जो हमारा केपी का कोर्स है ये 23 तारीख से शुरू हो रहा है, मतलब परसों से, और इसके 25 सेशन होंगे या 21 लिखा है मैंने। बहुत डिटेल कोर्स है, बहुत सारी केस स्टडीज भी होंगी और सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं ना, 12 भाव मैंने दिखाए थे, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, इंटरव्यूज है, लिटिगेशन है, शादियां हैं, बिजनेस है, सर्विस है, ऑकल्ट साइंस है, रीजन है, फॉरेन कंट्री, कोई जितने भी टॉपिक है वो सब हम कवर करेंगे। इसके अलावा जन्म लग्न शुद्धि है, होरारी चार्ट है, पूर्व निर्धारित घटना है, सब ये हम कवर करेंगे। 7:30 से 9 बजे तक क्लास होती है जूम पे। हर सेशन का वीडियो आप लोगों को मिलेगा जो कि 6 महीने तक वैलिड रहता है। टोटल सेशन 25 होंगे। ये होगा आपका मंगलवार और शुक्रवार को होता है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको, वीडियो की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है केपी स्टार 1 का, वो मिलेगा, एक मैं होरारी कार्ड का डेक आपके कोरियर करके पहुंचाएंगे उसको 1 से 249 नंबर तक का, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। फीस है इसकी मात्र 21,660, बट इसमें ये सब इंक्लूड है जो कि जो कुछ मैंने आपको बोला है। किसी को कोर्स की डिटेल चाहिए, अकाउंट की डिटेल चाहिए, वो मुझे 9205725969679 3155 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, तो पूरे कोर्स की डिटेल, कंटेंट, अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी। इस स्लाइड की भी आप फोटो ले सकते हो, और आप किसी का कोई प्रश्न है तो अब मेरे से वो पूछ सकता है। सर आज का वीडियो मिलेगा? हाँ वीडियो तो दे देंगे, वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा। और बताइए, वीडियो मिल जाएगा, भेज दूंगा। आप मेरे ग्रुप में हो ना, ग्रुप में मैं डालूंगा तो आप भी देख पाओगे। बट आर यू इन माय ग्रुप? यस सर। ठीक है, तो ये मैं डालूंगा, आई विल ड्रॉप। अदरवाइज आपको नहीं मिलता है तो मुझे इस नंबर पे पिंग कर दीजिएगा, आई विल सेंड यू। राइट सर। ओके, तो ये क्योंकि परसों कोर्स शुरू हो रहा है तो कल शाम तक या परसों सुबह दोपहर तक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और फीस इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। 2.5 महीने से 3 महीने करीब कोर्स चलेगा, तो कोर्स फिनिश होने से पहले आप अपनी कन्वीनियंस से 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? चलिए प्रश्न है तो ठीक है, अदरवाइज आई कॉल इट अ डे। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने सेशन को अटेंड किया, एंड विल बी हैप्पी टू सी यू ऑन 23rd इफ यू टेक द एडमिशन। ओके ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट। थैंक यू जी, नमस्ते। गुड नाइट। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।